तो भाई कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विक्रांत वार्ष्णेय है, जैसा कि आप हर वीडियो में सुनते आ रहे हैं कि भाई विक्रांत वार्ष्णेय विक्रांत वार्ष्णेय विक्रांत वार्ष्णेय। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा लेक्चर 5 है। यूनिट जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री चल रही थी और मैं आपको सीक्वेंसली कुछ करा रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको समझाया, उसके बाद में कुछ फॉर्मूले भी समझाए। अब मैं उन्हीं फॉर्मूलों को इलेबरेट करके थोड़ी सी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ाऊँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट 1 + 10 हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 - 10 हाइपरबोलिक एक्स इजिकल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2x, ये मुझे दिखाना है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछली वीडियो से LHS के पीछे पड़ गया हूँ, हाथ पैर मुंह सब धो के। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज भी वही काम करूँगा, मैं LHS को ही उठाऊँगा। मैंने LHS को लिया अपने साथ और अपने पीछे बांध लिया, इसे लेके चल पड़ा भाई। अब लेके चल पड़ा, मैंने कहा भाई मैं LHS को लेकर राइट हैंड साइड दिखाऊँगा। उसने कही ठीक है सर, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका पूरा पूरा सपोर्ट करूँगा और मैं राइट हैंड साइड की तरफ आके दिखाऊँगा। ठीक है चलो। अब हम जानते हैं कि टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स। वही चीज़ मैंने यहाँ पुट कर दी, 1 + sin / cos 1 - sin / cos। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर करा के मैंने इस तरह से कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स ऐसे नीचे मल्टीप्लाई की। कॉस हाइपरबोलिक से है ये कट गए दोनों। भाई इन दोनों को चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, इनने की हम नहीं रहना चाहते आपकी ग्रुप में, भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो इनने की ठीक है भाई तुम अपने निकलो अपने रास्ते से। अब ये रह गए भाई साहब दोनों, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब मैं इसमें रेशनलाइजेशन का प्रोसेस लगाऊंगा। जैसा कि आप जान लें कि जो नीचे साइन होता है वही चेंज करके हम ऊपर कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स गुणे में आ जाएगी, जो नीचे का साइन है वो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाके दोनों साइड में वही रहेगा फिर। ठीक है, मैंने वही काम किया। तो ये दोनों तो वही सेम साइन के थे तो होल स्क्वायर में चेंज हो गए, ये वही रह गए, ये अलग अलग साइन के हैं। तो अब एक फार्मूला होता है इसका भी, ए प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो अब ये तो होल स्क्वायर बन गया, अब ये बन गया भाई कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। भाई ये होता है 1, सीधी सी बात बता दूँ मैं आपको पहले ही, भाई ये पूरा होता है इसका वो जो फॉर्मूले के हिसाब से 1 होता है। जैसे कि साइन स्क्वायर डीटा कॉस स्क्वायर डीटा 1 होता है, वैसे ही ये भी 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ जी। ये तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई अब ये चीज़ मैं नहीं सिखाने वाला हूँ कि भाई छठे सातवीं वाली तो मैं चीज़ें सिखाऊँ मैं बैठ के। चलो अब मैं एक आइडेंटिटी जानता हूँ कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x और एक होता है 2 cos a sin a इजिकल टू साइन 2a। वही चीज़ मैंने इतने बीच में ये लगा दी, इतने बीच में ये लगा दी, भाई मुझे मिल गया राइट हैंड साइड, भाई मुझे यही तो लाना ही था। ठीक है जी, हम ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है टेन हाइपरबोलिक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इजिकल टू, हमें दिखाना है टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई अपॉन 1 + tan hyperbolic एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई। भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कह रहा चलो ठीक है जी, कुछ भी दे दो हमें तो, अगर हम करने जानते हैं तो सब कुछ ही कर लेंगे, कर्म करने वाले को तो कुछ भी दे दो भाई, सब हर एक चीज़ में से रास्ता बना लेता है। ठीक है चलो, वो कहते हैं ना एक चींटी 100 बार फिसलती है भाई पहाड़ से, फिर भी ऊपर चढ़ के मानती है क्योंकि हौसला नहीं हारती वो। हम भी हौसला नहीं हारेंगे भाई, प्रूफ करके लाएंगे, हमने भी जिद पकड़ रखी भाई, इसे हम लाएंगे प्रूफ करके। चलो, वी नो डैट टेन ए प्लस बी इजिकल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - tan a tan b। ठीक है, मैंने क्या किया, ए की जगह पर रख दिया आई एक्स, बी की जगह पर रख दिया आई वाई। अब ये बात तो मैं अभी समझ में आ जाएगी मैंने ऐसा क्यों किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें भी लड़ाई करने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कमेंट में लड़ाई मत करने लग जाना। चलो, टेन आई एक्स प्लस आई वाई इजिकल टू होता है टेन आई एक्स। भाई हमने सिंपली ए बी की जगह पर आई एक्स और आई वाई कर दिया, वही काम मैंने किया। ठीक है, अब टेन आई थीटा होता है आई टेन हाइपरबोलिक थीटा, खूब अच्छे से जानते हो, वही काम मैंने किया भाई, आई को बाहर ले लिया, इसके एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर लिया। देखो ध्यान से समझना, यही तो ट्विस्ट है इस गेम में। अब टेन आई थीटा है, ये चीज़ सेम है टेन आई थीटा के बराबर, इसको मैं आई जो कॉमन आया मैं बाहर लेके आया, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई एज इट इज़ रह गया, वही चीज़ मैंने की है।
सेम यहाँ पे सेम आ गया, आई बाहर आ गया टेन हाइपरबोलिक एक्स, आई बाहर आ गया टेन हाइपरबोलिक वाई, वन माइनस आई इंटू आई आई स्क्वायर टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अब आते हैं, आई टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई अपॉन वन प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई। भाई आई से आई की दुश्मनी बड़ी कट्टर है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि ये नदी के पार ये नदी के पार नदी, तुझे काट फेंक दूंगा मैं तुझे कैसे भी करके। इन्हें दूर से मिसाइल दाग दी भाई, राफेल छोड़ दिया इसने अपना अपना अपना, अब राफेल छोड़ते भाई यो भी, अब इसने भी राफेल एक ही टाइम पर छोड़ा, इसने भी राफेल एक टाइम पर छोड़ा, तो मौका किसी को नहीं मिला, दोनों मर गए एक दूसरे से कट के, तो भाई दोनों खत्म हो लिए। अब बचा क्या हमारे पास, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई अपॉन वन प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई। भाई प्रूव होगी ये बात, हमने कहा था ना कि जो कर्म करता है उसे तो कितने कुछ दे दो वो तो कोई रास्ता बना ही लेगा अपना। ठीक है नाउ नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हमें प्रूव करना है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू दिखाना है टू साइन हाइपरबोलिक वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई अपॉन टू। चलिए हम जानते हैं कि साइन सी और साइन डी का भाई फॉर्मूला पढ़ा होगा 11वीं में, एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ अगर ना मिले तो, एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर नंबर ट्रिगोनोमेट्री में देख लेना। ठीक है आ जाओ जी, अब टू साइन सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है भाई, सीधी सी बात है। मैंने क्या किया, सी की जगह आई एक्स और डी की जगह आई वाई रख दिया, और जहाँ जहाँ सी था मैंने आई एक्स कर दिया, जहाँ जहाँ डी था मैंने आई वाई कर दिया, सेम टू सेम इसी फॉर्मूले में रख दो, साइन आई एक्स प्लस साइन आई वाई इजिकल टू टू साइन आई अपॉन टू एक्स प्लस वाई। भाई कॉमन आएगा ना आई, इस वजह से मैंने बाहर ले लिया पहले ही, जरूरत नहीं है मुझे अंदर दिखाने की, इतना तो भाई समझते हो बी एस सी में आ गए हो। कॉस आई अपॉन टू एक्स माइनस वाई, यहाँ भी वही काम। अब एक आइडेंटिटी हमने सीखी है, हमने पीछे पढ़ी थी, साइन आई एक्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, बहुत अच्छी सी बात है। ठीक है अब आ जाओ जी आई, अब ये तो वही काम करना है, इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग चेंज करते चले जाओ, तो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई साइन हाइपरबोलिक वाई इजिकल टू टू आई साइन हाइपरबोलिक अपॉन एक्स प्लस, ये सब चेंज करके हमने इस तरह से कंडीशन लगा ली भाई, ध्यान से देख लेना यहीं ट्विस्ट होता है थोड़ा सा। ठीक है भाई आई से आई कैंसिल आउट हो गया, आई अब बचा गया हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई इजिकल टू टू साइन हाइपरबोलिक अपॉन टू प्लस एक्स प्लस वाई कॉस हाइपरबोलिक अपॉन टू एक्स माइनस वाई। ठीक है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई ये तो चल ही रहा भाई लेफ्ट हैंड साइड से, अब जो हमें चाहिए था वो राइट हैंड साइड है, तो यही तो हमें लाना था, और क्या भाई लाना, कुछ नहीं होता है बस बनाने होते हैं चीज़ें भाई, तोड़ मड़ोड़ के लानी होती है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई ज्ञाता नहीं है बहुत बड़ा। चलो बाकी अपना आगे देखो और सिखाएंगे, अभी तो और क्वेश्चन है बहुत सारे, और बाकी मज़े करते रहो और कोरोना माता का प्रसाद लेते रहो, प्रसाद इन द सेंस मतलब सैनिटाइजर लगाते रहो दिन रात, ताकि कोरोना आपके आसपास भी ना भटके, क्योंकि उसको डर उसी चीज़ से लगता है, बाकी किसी से नहीं डरता वो। ठीक है क्योंकि यूक्रेन के प्रधानमंत्री से नहीं डरा तो हमसे क्या डरेगा। चलो जी ओके गुड बाय।